पकड़ सकते हैं और चाहे तो ऐसे ही सहज में 5 मिनट तक, और अगर लगता है 5 मिनट का पता नहीं चलता तो अंगुलियां हमारे पास हैं और अंगुलियों के पौर पर गिनती करते जाएं और कम से कम 5 मिनट तक, 1 मिनट में आदमी सहज सांस 15 लेता है और मंद और गहरी करेगा तो 10 सांस लेगा। तो 5 मिनट तक प्राणायाम करने का मतलब यह हुआ कि लगभग हमने 51 श्वास लंबी ली और लंबी छोड़ी। तो जैसे झाड़ू लगाने से कमरा साफ हो जाता है, ऐसे ही लंबी गहरी सांस लेने से हमारा बिखरता हुआ चित्त, भटकता हुआ मन, वो भी एकाग्र होने लग जाता है। तो ध्यान में प्रवेश करने का पहला पगत यह है और वो है आती जाती सांसों को लंबा करो, दीर्घ श्वास लो, दीर्घ श्वास छोड़ो, दीर्घ श्वास लो, दीर्घ श्वास छोड़ो। दीर्घ यानी लंबी, शांत लंबी श्वास लो, शांत लंबी श्वास छोड़ो। सांस इतनी लंबी और गहरी होनी चाहिए कि उसकी आवाज ना हो, वो हमें आनंद देने वाली सांस बन जाए। शांति से गहरी सांस लो, गहरी सांस छोड़ो। जैसे टायर ट्यूब में हवा भरते हैं तो हवा भरने से ट्यूब फूल जाता है, ऐसे ही प्राणायाम करने से भी हमारी एनर्जी, हमारी प्राण शक्ति चार्ज हो जाती है, सचेतन हो जाती है। तो 5 मिनट तक लंबी गहरी सांस लो, लंबी गहरी सांस छोड़ो, नंबर एक। अगर कोई व्यक्ति पहले चरण में अगर ध्यान में प्रवेश कर रहा है तो उस दौरान आती जाती सांस के साथ वो दो में से किसी एक को जोड़ सकता है, या तो आती हुई सांस के साथ सो और जाती हुई सांस के साथ हम। बोलना नहीं है, केवल मन में एक याद, सो हम, सो हम, और या फिर ओम नमः, ओम नमः, स्मरण मन ही मन उसका स्मरण। पर लगातार इसकी आदत मत बनाइएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, केवल लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़ें 5 मिनट तक। जैसे अभी अगर आप उपधान तप कर रहे हैं तो उपधान तप के दौरान अपन नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम अर्थात नमो के साथ लंबी सांस लीजिए और अरिहंताणम के साथ लंबी सांस छोड़िए 5 मिनट। 5 मिनट का मतलब हो गया 50 की गिनती। जब वो लगे 5 मिनट तक हमने दीर्घ श्वास प्रश्वास का प्राणायाम कर लिया, अब हम शरीर को ढीला छोड़ दें, दिमाग को ढीला छोड़ दें, आती जाती श्वास को शांत शांत, मौन मंद 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 करने का प्रयास करें, अभ्यास करें। 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट जितना हमको सुकून लगे उतनी देर तक हम श्वास को मंद 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 करें। 5 मिनट तक जब हम सांस को मंद करेंगे तो पता चल जाएगा कि मन हमारा शांत हुआ या नहीं, एकाग्र हुआ या नहीं। अगर लगता है कि मन एकाग्र नहीं हुआ तो वापस पहले चरण को फिर अपना लें, अर्थात वही लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। तो पहला चरण क्या हो गया, लंबी गहरी सांस लेना, लंबी गहरी सांस छोड़ना 5 मिनट तक, और अगले 5 मिनट तक शांत मंद मौन सांस लेना, सहज मंद सांस लेना और मंद सांस छोड़ना। वो 5 मिनट में हमें पता चल जाएगा हमारा मन शांत हुआ या नहीं। अगर शांत नहीं हुआ है तो वापस पहला चरण शुरू करें, वही लंबी सांस लेना और लंबी सांस छोड़ना। फिर वापस जब लगे 5 मिनट तक, हाँ अब चित्त में कुछ एकाग्रता बनी, कुछ शांति आई, तो दूसरे चरण में प्रवेश कीजिएगा। और अगर लगता है चित्त में शांति नहीं आई तो वापस वही तीसरी बार भी वही पहला चरण, अर्थात लंबी सांस लो और लंबी सांस छोड़ो। क्योंकि जब तक सरोवर शांत नहीं होगा, लहरें उठती रहेंगी, तब तक हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। तो सरोवर का शांत होना जरूरी है और शांत करने के लिए ही अपन पहले लंबी गहरी सांस लेते हैं, झाड़ू लगा, भीतर की बुहारी लगी, अब हम शांत मंद श्वास लेते हुए अपने कंसेंट्रेशन को, अपनी जागरूकता को, अपने सचेतनता को, अपने कॉन्सियसनेस को अपनी सांसों पर गौर करें, नासिका प्रदेश पर,
आती जाती श्वासों का अनुभव करें। जब लगे कि चित्त में थोड़ी शांति आ गई है, मन मेरा थोड़ा मौन हो गया है, तब हम ध्यान का दूसरा चरण अपनाएं। और दूसरा चरण निर्भर करता है आपका लक्ष्य क्या है। आपने जो ध्यान का लक्ष्य बनाया है वहां पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अगर आप बीमारियों से मुक्त होना चाहते हैं तो नाभि पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अगर आप अपने विकारों को शांत करना चाहते हैं, क्रोध को शांत करना चाहते हैं, अपने लंपट मन को शांत करना चाहते हैं, तो दिल में, हृदय में अपना ध्यान धारण करें। हृदय में ध्यान करने से व्यक्ति का क्रोध, अहंकार, लोभ, लालच, छल, प्रपंच, ये सब जो हमारे भीतर उधेड़ बुन चलती है, इसकी जड़ें अपने आप शांत होने लगती है। और हम दिल के भीतर, छाती के मध्य प्रदेश पर, इस सारे भाग में हम अपने मन को केंद्रित करें, अपनी चेतना को, अपनी प्राण शक्ति को केंद्रित करें, अपनी सांसों पर रहने वाली जागरूकता को दिल में, छाती में केंद्रित करें। वहां पर जो जो हम अपना ध्यान करेंगे, अपने आप को एकाग्र करेंगे, अपने आप को सचेतन करेंगे, अपने आप को जागरूक करेंगे, त्यों त्यों हमारी हमारे अपने आप से मुलाकात होती चली जाएगी, अपने आप हमारी गहराई बनती चली जाएगी, हम हृदय रूपी गुफा में स्थित होते चले जाएंगे। और तब हमें हमारे हृदय की शांति, हृदय का प्रेम, हृदय की दिव्यता, हृदय का आनंद, हृदय की करुणा अपने आप हमारे भीतर छलकने लगेगी। और इस तरह से हमारा क्रोध, हमारे कषाय, हमारे विकार खुद ब खुद अपने आप शांत 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 होते चले जाएंगे। हृदय के पास रूपांतरण की दृष्टि है, रूपांतरण का कीमिया है। जब हम वहां केंद्रित होते हैं तो अपने आप ये सब चीजें बदलती चली जाती हैं। अंधेरा तभी तक रहता है जब तक प्रकाश नहीं होता। पर अगर हमें ईश्वर तत्व का ध्यान करना है, परमात्मा तत्व का ध्यान करना है, बुद्धि को प्रखर बनाना है, स्मरण शक्ति को तेजस्वी बनाना है, अपनी असाधारण प्रतिभा को जगाना है, अपनी मानसिक शक्ति को अगर हमें तीव्र करना है, तो तब हमें दिल की बजाय, जब हमारा चित्त शांत हुआ, तो हमें ललाट प्रदेश पर ये जो सारा भाग है, ये जो सारा क्षेत्र है, अर्थात हमें तिलक प्रदेश पर, इस सारे भाग पर, या यहाँ तक अपने आप को केंद्रित करना चाहिए, सजग करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, स्थिर करना चाहिए, अपने आप को लगाना चाहिए, लगे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। रसरी आवत जात तय, सिल पर पड़त निशान। जब हम लगते हैं, लगते हैं, लगते हैं, तो लगते लगते अपने आप ही एकाग्रता साधने लग जाती है, अपने आप ही गौर होने लग जाता है, अनुभूति होने लग जाती है, प्रकाश से साक्षात्कार होने लग जाता है। हम अपने भीतर देहातीत रूपातीत भावों में आ जाते हैं। और अगर ध्यान को और ऊंचा उठाना है, तो जब हमें लगे हम लोग यहां पर पूरी तरह केंद्रित हुए, तो अपने शरीर को, शरीर भाव को जमीन से ऊपर उठा लेना और अपने आप को आकाश पर केंद्रित कर लेना, मुक्त आकाश की तरफ केंद्रित कर लेना। आप शरीर से बिल्कुल हल्के हो जाएंगे, दिमाग से, मन से, आत्मा से, दिल से आप आकाश की तरफ, मुक्ति पद की तरफ, मोक्ष की तरफ, रूपातीत, विचारातीत, देहातीत, ऊपर की स्थितियों को छू सकते हैं। पर जो लोग केवल अभी प्रवेश पा रहे हैं, उनके लिए मैं ऊपर की बातें नहीं कहूंगा, ऊपर की बातें नहीं करूंगा। उनके लिए तो अभी पहले चरण में इतना ही अनुरोध करूंगा, इतनी ही अर्ज करूंगा, पहले सांसों सांस पर 5 मिनट तक लंबी गहरी सांस लें, नंबर एक। नंबर दो, अपनी सांसों को शांत मंद मौन करें 5 मिनट तक। पर अगर लगता है मन शांत नहीं हुआ, तो वापस पहले चरण को अपनाएं, रिपीट करें। और जब अगर लगता है 3 बार कर लिया फिर भी चित्त शांत नहीं होता, तो बस 3 बार करके छोड़ दो, खड़े हो जाओ, प्राणायाम किया, बस इतना काफी है। और यही प्राणायाम
हमारे लिए ध्यान की भूमिका का काम करेगा, ध्यान में प्रवेश दिलाने का काम करेगा। और जब हमें लगे अब चित्त में शांति हो गई तो लक्ष्य को याद करो, आप ध्यान क्यों कर रहे हैं? परमात्मा से मुलाकात के लिए, मानसिक एकाग्रता के लिए, बुद्धि को प्रखर करने के लिए, अगर आप इन सब के लिए ध्यान करते हैं तो ललाट प्रदेश पर 5 मिनट तक ध्यान करें और लगता है विकार, क्रोध, कषाय, शरीर, जीवन की इन कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने के लिए अपन ध्यान करते हैं, तो दिल पर ध्यान करें। 5 मिनट तक वहाँ ध्यान करें, कोई सोचना नहीं है, कोई विचार नहीं करना है। और जब हमें लगे हाँ मैं कुछ अपनी जड़ों से जुड़ रहा हूँ, कुछ मेरे भीतर अब एकाग्रता बन रही है, कुछ प्रखरता आ रही है, तो फिर हम लोग चाहें तो अब हम लोग ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं अपने दिल में या अपने ललाट प्रदेश पर। जिस दिव्य रूप को आपको पाना है, जिस दिव्यता का आपको ध्यान करना है, उसको अपने दिल में या यहाँ पर स्थापित कर लें। जैसे कि अभी अगर आप लोग उपधान कर रहे हैं तो नमो अरिहंताणम की मुख्य आराधना कर रहे हैं, तो अरिहंत के स्वरूप को, अरिहंत तत्व को, अरिहंत की छाया को, अरिहंत के नूर को, सिद्ध शिला को अपन लोग या उनकी दिव्य प्रतिमा को अपने दिल में या ललाट प्रदेश पर स्थापित करें। तब तक स्थापित करें जब तक कि हम उसके साथ पूरे एकाकार नहीं हो जाते। और जब लगे हाँ अब हम लोग खूब ध्यान में मग्न हो गए हैं, आरोपित हर चीज़ को छोड़ देना, शांत, मंद, मौन, अंतर्लीन 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक जितना हमसे बैठना मुमकिन होता है उतनी देर बैठें, और फिर वापस चित्त अपनी प्रकृति में आ जाएगा, खुद गतिशील हो जाएगा। और जब लगे कि चित्त वापस अपनी प्रकृति में आ गया है, गतिशील हो गया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ध्यान की बैठक पूरी हो चुकी है, एकाग्रता वापस बाहर की गतिविधियों की तरफ चली गई है। ये ध्यान अपन लोग 15 से 20 मिनट के साथ इसकी शुरुआत करें। धीरे धीरे ज्यों ज्यों हमारा रस, हमारी रुचि इसमें बढ़ती जाएगी, ये समय 20 मिनट से बढ़कर के 25, 30, 35, 1/4 घंटा, 1 घंटा खुद ब खुद अपनी ओर से होते चले जाएंगे। समय की कोई पाबंदी नहीं है कि इतनी देर ही होना चाहिए, पर प्रवेश पाने के लिए 15 से 20 मिनट तक तो अपन लोगों को ध्यान में प्रवेश करना चाहिए। नंबर फिर दोहरा देता हूँ, 5 मिनट तक लंबे गहरे सांस, पहला चरण। नंबर 2, शांत मंद मौन सांस पर जागरूकता, कंसेंट्रेशन, अनुभूति, सचेतनता 5 मिनट तक। पर अगर लगता है एकाग्रता नहीं बनी, थोड़ी शांति नहीं आई, तो वापस पहले चरण को रिपीट करें। 3 बार अपन इन चरणों को रिपीट कर सकते हैं। और जब लगे अब थोड़ी शांति आ गई, थोड़ा मैं अपने भीतर की फीलिंग करने लग गया हूँ, तो या तो दिल में और या फिर ललाट प्रदेश पर, 2 में से किसी भी एक जगह पर अपन 5-7 मिनट तक ध्यान करें। उसके बाद अपन लोग अरिहंत को, राम जी को, कृष्ण को, महावीर जी को, अपन किसी को भी याद कर सकते हैं और यहाँ पर ध्यान धारण कर सकते हैं। अपन लोग अभ्यास में जुड़ें और धीरे धीरे प्रवेश करें, अपने आप एकाग्रता बनेगी, गहराई आएगी, प्रखरता बनेगी। ओम शांति।